हिसार, करनाल, अंबाला, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हरियाणा's डिस्ट्रिक्ट्स विथ डॉटर्स ऑन द डिक्लाइन. छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली सी आशा. सेंसस 2001, 945 गर्ल्स टू 1000 बॉयज, ऑल इंडिया. उड़ने की आशा. 900 गर्ल्स टू 1000 बॉयज, हरियाणा. Haryana's alarmingly low sex ratio has brought them all together. A motley group of budding writers, singers, actors, theatre activists and organisers. Their shared passion, travelling community plays or jathas. The many hundred journeys through the girl-unfriendly landscape of the state are made with a single purpose, motivating audiences to value their daughters. Civil society and women's groups, youth and people's science forums have scripted their own experiences against the backdrop of the bitter reality of Haryana's misogyny. जो ये नाटक है इसमें पहला सीन मतलब हमारा भ्रूण हत्या के ऊपर ही भ्रूण हत्या का ही सीन है किस तरह से और मतलब उसमें जो दिखाया गया है ना वो बिल्कुल है कि ना मतलब एक औरत के ऊपर ना पूरी फैमिली का एक पूरा प्रेशर रहता है कि ना उसको वो बच अगर पेट में लड़की है ना तो उसे गिरानी ही पड़ेगी. बेटा कुल की नाक है खानदान की शान जन सके. The process of creation of the Jathas is steered by the Janvadi Lekhak Sangh, a progressive writers group, bringing into the open the reality of female feticide and female infanticide is both traumatic and empowering for the young actors. Girls understand they are acting out the hostility they themselves face every day. The use of local dialect, colloquial phrases, folk music and other oral traditions makes the storyline and its inherent pro-daughter messages compelling and easy to relate to. Through the unfolding narrative, the Jathas re-examine commonly held beliefs that have been perpetrated through the times. The script demystifies age-old myths, such as the birth of daughters being a bad omen for the family and holding the mother responsible for the sex of her child. The play adopts a holistic approach in dealing with the theme of its state's declining sex ratio. It brings home to the community
its linkages with a highly patriarchal society. Typically and conveniently, the mother who resists female feticide is singled out for blame. जब लोग ये आरोप लगाते हैं कि भाई माएं जो हैं वही मतलब दुश्मन है लड़की की, वही जो है जाके गर्भपात कराती हैं, वही लड़की को नहीं चाहती हैं, वही भेदभाव करती हैं, तो वो ये नहीं, ये साथ उन्हें ये देखना चाहिए कि खुद वो माँ जो भेदभाव की शिकार होती है, वो खुद जो है उसकी हत्या अनेक तरह से जो है वो होती है, या खुद असमानता की वो कई तरीके से मतलब शिकार रहती है, और वो खुद बहुत असुरक्षित है, और खुद मतलब उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ही नियंत्रित है किसी और शक्ति के द्वारा। स्त्रियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो यही है कि जो उत्पीड़ित है उसी को उत्पीड़न का कारण माने, ब्लेम द विक्टिम वाली अप्रोच है एक तरीके से। जी मैंने 25 साल हो गए जी दाई का काम करती हूँ, ये 10 सालों से घना अत्याचार हो रही है, पहले ना थी इतनी। लड़काओं जो है उसमें तो वे बहुत खुश मानते हैं और हमको भी इन्हों कर देते हैं, जो मांगना है मांग लो, और जब लड़की हो जाती है तो हमने कुछ नहीं देते वो अकद है अमेरो हतन ने के जमा। एक ने मेरे तक कुल 10 रुपये नहीं दिए, बोली तू छोरी नहीं ले जा, हम क्या करेंगे इसका, अके एक तो तुम्हारा छोरी छोड़ चल ली और एक तू ऊपर तो पीछे भी मारे भाई मांगा है। एक लड़की थी होगी तो वह सतमी भी नहीं होगी जी, तो अच्छी तरह वह रोई, मैंने उसकी उसका जन्म करवा कर नवाई दुआई उसको दे दी, वह जी गम में ना लौटा दी, गम में लौटाओगी तुम रहेगी। अगला दिन मैं गई तो छोरी तो बिना दावे, छोरी ना तो दावे अगर तू क्यों ना दबी, मैं पर कई प्रार का छोरा हुआ था यू ना दबिया तने। The theatre group has a children's wing, the Bal Sabha. There's no dearth of aspiring child actresses at the auditions, a healthy respite from their second-class status back home. मशीन के आने से और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आने से ये हत्या हत्या की तरह भी नहीं रही, ये एक तरीके से बहुत ही आधुनिक और बहुत ही साफ सुथरा और लगभग एक तरीके से अपने निजी जीवन को नियोजित करने का जैसे एक साधन की तरह से ये आ गया। हत्या का एक ऐसा रूप जिसके अंदर किसी पे छींटे नहीं पड़ते, जैसे किसी की जो सभ्यता है, किसी की सफ़ेद पोशी चैलेंज नहीं होती किसी तरह से भी। पुराने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक तरह से हो रहा है। इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं हो रहा कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा सक्षम बने या उनके लिए ज़्यादा उदार वातावरण बने समाज में, या जैसे उनको जो है टेक्नोलॉजी की मदद से वो बहुत उनकी मोबिलिटी बहुत बढ़े, इसके लिए सचेत रूप से इस्तेमाल कम हो रहा है और एक तरह से उनको कमज़ोर सिद्ध करने के लिए ज़्यादा हो रहा है। जैसे पशु बल का एक समाज में वो है महत्व, और जैसे इसीलिए पुरुषों को जैसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से टेक्नोलॉजी भी उस पशु बल का हिस्सा बन गई है। वो टेक्नोलॉजी किसी ऐसे नए जीवन मूल्यों से नहीं जुड़ पाई है। She makes no demands. She never talks back. She does all the chores despite her age, fears and lack of experience. She is content with leftovers. She understands life hadn't exactly rained good fortune on her. Now she discovers she is not alone. Acting out familiar stories, she finds herself part of the collective quest for change. युवा लड़कियां हैं वो सबके लिए बोझ हैं, सबके लिए, कोई उन्हें बचाना नहीं चाहता है। इस अमूर्त इज्जत को बचाने के लिए उस ठोस लड़की की कभी भी बलि दी जा सकती है,
कभी कभी सुंदरता बढ़ाए हमारे दृश्यों की और हमारी भावनाओं की भी सुंदरता बढ़ाए। हम मानवीय हैं ये दिखाने के लिए कभी कभी लड़की हमारे आसपास आए, मतलब लोग अपने को ह्यूमेनाइज करने के लिए जैसे लड़कियों के बारे में कुछ अच्छी बातें कह सकते हैं, सब कहते हैं। मुझे ना अपने पापा जी और दादाजी से बहुत डर लगता है। क्यों? उन्होंने ना मेरी छोटी बहन को मारकर, अरे नहीं नहीं, जब वह मर गई थी तो उसके हाथ में सूत का धागा देकर कहा था कि इसके सारे ऊपर से भैया को भेजना। कुछ धूप के टुकड़े लाई है अपने हिस्से की छाया भी, रिम झिम रिम झिम रुन झुन रुन झुन, झिम झिम रिम रुन झुन रुन झुन, अपने हिस्से की बारिश थी, रिम झिम रिम झिम रुन झुन रुन झुन, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रुन झुन रुन झुन, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रुन झुन रुन झुन, रिम झिम। Chromosome separation, genetic diagnosis, abdominal ultrasound, amniocentesis, fetal biopsy, newer and more advanced technologies for diagnosing and destroying the female fetus. For 25 years now, ever since the problem was identified, the All India Democratic Women's Association has protested against the misuse of modern technology. With an over 9 million membership, they add strength to the national movement against sex-selective abortions. Their focus, the state of Haryana. Why are infant daughters increasingly unwelcome into homes in Haryana? Jagmati and her colleagues at the AIDWA support the theatre group in creating a new sensitivity among communities. Spotting alarming trends from districts with the lowest sex ratios, they draw a roadmap for future action. Keeping a close vigil on nursing homes, childbirths, as well as the well-being of newborn baby girls, is part of their campaign. Lowest है ये जो बैंगनी वाला जो कलर है ये कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सबसे गड़बड़ की जगह है अपने इसके हिसाब से, कुरुक्षेत्र का, अंबाला का, कैथल। हरियाणा के अंदर एक एक गांव के अंदर मतलब 10-15 महिलाएं जो हैं वो खरीद के लाई गई हैं, क्योंकि लड़के जो हैं उनकी शादियां नहीं हो रही और उनमें भी जो बेरोजगार हैं, जो गरीब परिवारों से वो लड़के हैं। एक एक गांव के अंदर 200-200 लड़कों के ऐसे झुंड हैं जिनकी शादियां नहीं होती, तो उसके लिए फिर कोई तो बिहार से खरीद के लाता है, कोई यूपी से खरीद के लाता है, कोई हिमाचल से खरीद के ला रहा है, और इवन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की भी महिलाएँ जो हैं वो हमें मिली हैं। Kalahandi, Odisha. Haryana's popular bride shopping center is predictably the poorest district of India. Here, each girl is a potential victim of the thriving girl trafficking trade between her home and richer states like Haryana and Punjab. हर एक गांव में 10-12 महिलाएं ये ऐसी हैं, और इनकी जो शादियां जैसे हुई हैं वो जो पति की उम्र तो है 40 साल और ये महिलाएं जो हैं ये है कोई 17 साल की लड़की, कोई 18 साल की लड़की। हरियाणा अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। रमा वाज ऑक्शनड इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट टू द हाईएस्ट बिडर। द कॉस्ट 40,000 rupees. हाँ, ये आपका ही बेटा है? हाँ। Her 70-year-old husband Jille believes he struck a bargain. Last year, Rama fulfilled his lifelong desire for a son. हाँ, छह लड़की हैं, पढ़ रही हैं। अच्छा। कितने उम्र में आपका लड़का हुआ?
70 तो हो गई होगी। इसकी माँ कितनी बड़ी है? 26-27 बताऊँ, 26-27 साल की बताओ। वहाँ 25 का गया, ये जो पत्ते पर आ रहे 25 साल की मिल गया। Girls in Odisha now grow up on bedtime stories of life in Haryana, its alien language, culture and customs. उड़े शादी है इतने मर गई पहला शादी है थी पैसे दिए कोई नहीं दी ऐसे आ गए हाँ लिया है लेकिन दूसरा उड़े जाम कौन लाया Rama tried running away one night after her 68-year-old brother-in-law molested her. She later learned that wife sharing among brothers can be part of the tradition here. So इनको ना एक complete isolation में रखा, अलगाव में रखा जाता है, जहाँ पे पशुओं को बांधते हैं। इनके बच्चों को इनको खाना जो है वो सबसे ख़राब जो घर का है वो दिया जाएगा और जितने भी काम हैं घर के वो नौकर की तरह से इनसे सबसे लिए जाएंगे क्योंकि ये खरीद के लाई हुई हैं तो परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र है और ये मना नहीं कर सकती ये महिलाएँ आप यहीं रहते हैं आपके भाई भी रहते हैं हाँ कहाँ जा रहे हो ले जाऊँ एक नई शुरुआत खेत में करती नलाई और बुढ़ाई है लहराती फसल मर्दों के संग उसने उगाई है वो बच्चे पालती है साथ में रोटी कमाती है मेहनत के बल पर चार पैसे घर में लाती है कड़ी मेहनत के बल पर चार पैसे घर में लाती है मैं एक साधारण लड़की थी हूँ मैं मजदूर परिवार से तो एक तरह से हिचकिचाहट थी लेकिन एक नई शुरुआत नाटक और दूसरे नाटक ने मुझे इस तरह दृष्टिकोण दिया आत्मविश्वास मेरा बना और कई जो है अवधारणाएं टूटी हैं नाटक से जुड़कर चाहे वो अंधविश्वास है या फिर रूढ़िवादिता है वो सब नाटक से ही जुड़ के टूटा है The play's success in the state creates a backlash which can become a drawback for its young performers उससे पहले हमें पता ही नहीं था चाहे कुछ भी होता चाहे छेड़छाड़ थी भ्रूण हत्या थी उसके बारे में पता नहीं था ये था कि ये तो ऐसे ही होता होगा फिर जब हमने नाटक करने शुरू किए तब हमें लगना लगा कि हाँ लड़कियों के साथ ये तो जाती होती है Some are denied participation. Others withstand regular beatings before they are allowed to take part. In the face of such pressure, 25 local teams have emerged. Almost every village has its own theatre repertoire. Gradually, the family members begin to relent. हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने घरों में पूरा संवाद बनाया है अपने माता पिता के साथ और मतलब इस नाटक के बाद ही ना लड़कियों में ये चीज़ आई है कि हम अपनी बात कह सकें अपने माँ बाप से वो बात हम कह सकें और वो कही गई हैं और फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स में इतना चेंज मतलब आया है वो हमें लगा है कि हमारी बात हमारी वजह से हमें लगता है बिल्कुल कि वो हमारी वजह से आया है A mother who once perceived her four daughters as the source of her misfortune now fights for their independence. हम चार बहनें हैं और हमारे मम्मी पापा बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं और मेरे पापा सब्जी की रेडी लगाते हैं और वे हमेशा ये कहते हैं कि ना तुम जितना वो करोगे ना हम तुम्हें उतना ही पढ़ाएंगे जहाँ तक पढ़ोगे उतना पढ़ाएंगे महिला समिति से इनसे हमें मतलब सारी समझदारी मिली सारी बात का पता चला है इससे क्या बात कि भाई लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और देखो लड़कियों को बाहर भी जाना चाहिए लड़कियों को क्यों मरवाते हो मम्मी पापा हमें हमेशा सहयोग देते हैं
कहीं भी अंदर बाहर जाने से रोकते नहीं, हम पर हमेशा विश्वास रखते हैं, भैया हमारे बच्चे हैं ये, दूसरे की बात नहीं सुनते हमारे, क्योंकि हमारे बाप का हम पर विश्वास है। अनचाही, अनवांटेड, इनफ कोर, राम भतेरी, दैट्स इनफ राम, अंतिमा, द एंड, इवन मरो, मीनिंग Here's wishing you death, kid. It's no secret how unwelcome the birth of girls can be. These names are an open declaration by the families. Now, Ram Bhateri has rechristened herself Bharati. हमारे चार लड़की लड़की हैं। हम अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाएंगे। चाहे हमने कितनी मजदूरी करनी पड़ जाओ, चाहे मतलब कुछ भी करना पड़ जाओ, ये पढ़ेंगी उतना हम पढ़ेंगे। ये चेतना जो है, ये पैदा हुई है। कि हरियाणा के लिए महिला भ्रूण हत्या होना ये बदनामी का कारण है और हमारी जो लड़कियां हैं जो कल्पना चावला बन सकती हैं जो संतोष यादव बन सकती हैं जो ममता खरब बन सकती हैं जो ओलंपिक्स में और हर जगह पे अपने माँ बाप के नाम रोशन कर रही हैं हरियाणा के नाम रोशन कर रही हैं उनको गर्भ में ही ख़त्म किया जा रहा है ये भारी कीमत जो है वो हमारा समाज इसकी अदा कर रहा है दाई की भी कमी हो जाए जी कभी पुराने ब्लड तो सुन काट देंगे जब बच्चा ही नहीं बच्चा आप मर जाएगा वजह न्यू कर दे है कि होगी आके उसने पोलोथीन में बंद कर लेंगे उस पर कपड़ा लपेट लेंगे कई बार तय करेंगे या जो अपनी कुरड़ियों है एक गोबर गढ़ाए ऊंचा गिरा कर और उसके मैदा ब्याह हैं न्यू बेरा लग गया उन लड़की है अपनी बांध कर ना कपड़े में और इसे रद्द कुएं में गिर देंगे अब जो के उसने कोई देखते आना भी न्यू का आग्रह किस्मत जमा है और इब वा ठीक से 4-5 साल की होगी With the acute shortage of girls, it's the rich who can purchase wives. Now a privilege inaccessible to the poor. रोटी साग खां दूध दही खां खाने में सारा फर्क सारा ही है अरे मर जाए मुझे आई पहले पड़ कर मतलब क्या है नारी मैं कैसा हो रहा दरी हरी नारी देखती पहले तो मुझे खान जाए खा को और हरी सब्जी जाए टाइम में डगर की उसका हलवा का साग बना मैं बोलिया ये थरक तो रही है तो मानस हूँ और थरे ही हो रहा साग बना रहा क्या मेरे को कोई अच्छा लगता नहीं आलू का खाएंगे मैं बोली अच्छा Depressed sons and deserted homes abound. Some say that local brides for Haryana's sons are on their way to becoming an election manifesto. किसी लड़की के साथ है ना बलात्कार भी हो जाता है तो परिवार वाले ये कहेंगे कि ना बेइज्जती होगी हमारी अगर किसी को पता चलेगा तो लड़की को भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा हमारे गांव में ना कोई भी लड़की ऐसी नहीं बची जिसके साथ शादी के बाद बुरा ना हुआ किसी के पति ने उसको जला दिया किसी ने तलाक दे दिया मैं नहीं चाहती कि मैं भी उन्हीं की लिस्ट में शामिल हो जाऊँ मतलब परिवार में लड़कियों के साथ जो मतलब खुद घर वाले जो छेड़ मतलब जो छेड़खानी करते हैं इसी तरह से मेरे मामा जी का एक बेटा था मतलब रात को मैं तो भाई करके हम लोग साथ में सो गए सारे बच्चे उस बहुत गलत हरकत मेरे साथ की ये लड़कियां जिस तरह के चौतरफा संकट से वो घिरी हुई हैं हर तरह की मार है वो बेरोजगारी की भी मार है उनको तो पेट में ही खत्म कर रहे हैं बाकी चीजें तो वो समाज में जो और लोग फेस करते हैं वो तो उसके पास पैदा होने के बाद आती है उसको तो जिंदा होने का संकट है
जब फिर हम इन नाटकों को पूरे गांव में लेके गए, शहरों में लेके गए, वहां पर मतलब बिल्कुल ये लगा कि सच में हम ना इन लोगों की बात कह रहे हैं। और जब हम नाटक करते हुए और हमारे जो सामने जो दर्शक जितने भी बैठे हैं ना, हमने उनके चेहरे जितनी भी औरतें बिल्कुल स्तर्क होकर वो देख रही हैं और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, मतलब क्योंकि उनकी खुद की कहानी कहता है ये नाटक, और पूरा समाज का एक आईना जो उनकी उनकी जो स्थिति है ना वो सारी उनके सामने ला के रखता है। और फिर नाटक के बाद जब हमारी पूरी जितने भी दर्शक हैं उनसे बातचीत होती थी, तब मतलब लड़कियां ये बात कहती थी और ये कही गई है बहुत सारी जगहों पे बात कही गई है कि जो बात हम नहीं कह सकी ना वो आपने इस नाटक से कह दी हमारी बात। द प्लेराइट मेक्स हर एंट्री ऑन स्टेज। सम्मान की रक्षा करेंगे तो सम्मान की पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं अभी हम, तो ये ऐसी बातें हैं कि हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा। कोई बात बुरा मानने की है नहीं, और लगी हो तो मुझे माफ करना, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई अपने को अब ऐसी कड़वी बातों की जरूरत है ताकि हम मिल बैठ के इस हालत को बदलने की कुछ कोशिश करें। The message has come home. Now, so must the daughters.